नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। श्रावस्ती प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या के इनामी अभियुक्त हुए आखिरकार गिरफ्तार। पुलिस ने बीते माह 24 जुलाई को हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी युवक को आखिरकार गिरफ्तार कर जेलखाना कर ही दिया। दरअसल जिले के इकोना थाना क्षेत्र के ग्राम गोरी साईपुरवा के निवासी राजकुमार का शव ग्राम बघा स्थित डिप्टी सिंह के गन्ने के खेत में मिला था, जिसमें मृतक की पत्नी काजल की तहरीर पर थाना इकोना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव द्वारा घटना के तत्काल खुलासे करने हेतु प्रभारी निरीक्षक दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिनकी गहन विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राजकुमार की पत्नी काजल व अभियुक्त अमरनाथ उर्फ मुन्ना पुत्र संताराम के बीच अवैध संबंध थे। इसी कारण काजल ने अपने प्रेमी अमरनाथ उर्फ मुन्ना से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अभियुक्तों को प्रातः 6:30 बजे कटरा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 15,000 का इनामी भी घोषित किया गया था। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू व डंडा भी बरामद कर लिया गया है। रामकुमार का शव मिला था। इस संबंध में रामकुमार की बीवी काजल ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में जब पुलिस के द्वारा जानकारी की गई तो मामला ये समझ में आया कि मृतक की पत्नी काजल के मुन्ना यादव से अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों का पता राजकुमार को चल गया था और उसने इसका विरोध किया। इसके परेशान होकर के दोनों ने साजिश रचकर 23-24 की रात में, जब मुन्ना मुंबई से यहाँ पर आया हुआ था, तो मिल करके डंडे और चाकुओं से उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के पश्चात बात को छुपाते हुए मुन्ना फरार हो गया और काजल इस मुकदमे की वादनी बन गई। क्योंकि कॉल डिटेल्स हमारे पास थी और इसके अलावा जो आसपास के लोगों से जानकारी हुई, इस आधार पर इसको खोला गया है। रात्रि में जब ये हत्या हुई, हत्या होने के बाद काजल ने किसी और को फ़ोन नहीं किया, सिर्फ इनके और मुन्ना के बीच में रात भर बातें हुई। जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात्रि में घबराने के बाद क्या करना है, इस बारे में बातें होती रहीं। तो जो अन्य हमारे पास सबूत थे उन सब के आधार पर आज काजल और मुन्ना दोनों की गिरफ्तारी करी गई है। अब उनको जेल भेजा जाएगा।